Good morning class 2 student. This is our English period and we will start our chapter number 14. The Cock and the Peacock. They are close friends. Let us start. Why should you do your work yourself? Aapko apna kaam karna Karte apna kaam Very good. Discuss about it with your classmate. नाउ रीड द स्टोरी आप अपने क्लासमेट से पूछिए कि आप अपना अपना काम खुद से करते हो या फिर किसी और से करवाते हो। होकेट इट लोंग लोंग दे कॉक एंड ए पिकॉक बहुत समय पहले की बात है एक मुर्गा और एक मोर दोनों रहते थे देव उट ए पीस ऑफ लैंड टूगेदर एक दोनों ने मिलकर एक जमीन का टुकड़ा परचेज किया दे टू वर्क ऑन इट एंड शेयर एवरी थिंग डेट वुड ग्रो ऑन इट और उन्होंने ये डिसाइड किया <coughs> कि वो मिलके काम करेंगे और जो भी इसमें वो ग्रो करेंगे उसको आपस में बांट लेंगे मॉर्निंग एंड कॉल्ड आउट टू हिज फ्रेंड फिर नेक्स्ट डे जो कॉक था वो सुबह जल्दी उठा और अपने फ्रेंड को बुलाया और बोला चलो जमीन तैयार करनी है ओके okay? घेट अपू प्लो दर अ प्लान टूडे उसने कहा चलो, चलो, जल्दी उठो हमें तो जमीन आज ही तैयार करनी है तैयार क्योंकि बीच बोलने से पहले उसको प्लगिंग की जाती है न जमीन की इसी तरह से लैंड की ओके द पिकऑक थॉट फॉर ए वायर एंड ड्रिप्लाइट टूडे आई इन टॉन्सिंग मूड माई अंकल बल आर जिगलिंग जस्ट गो अट एंड इट टू प्लो आई विल फॉलो यू इन ए मिनट उसने पहले तो सोचा फिर बोला कि ऐसा है कि जाओ मैं तो आज डांसिंग मूड में हूँ और मेरे जो पैरों में ये बैल्स बंधी हैं ये थोड़ा सा आज डांस करने के मूड में है तो तुम जाओ स्टार्ट करो मैं कुछ ही मिनट में बस तुम्हें फॉलो करता हूँ आता हूँ अभी मैं द काक लेफ्ट द प्लेस कॉक ने क्या किया जगह को छोड़ दिया वहां से चला गया ही वर्कड हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट और वो सुबह से रात तक काम करता है रहा खेत में ही प्लाउड एवरी इंच ऑफ लैंड द नेक्स्ट said टू पिकॉक वी हैव टू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग सोइंग विल टेक ऑल day." उसने कहा देखो मैंने जमीन तो इस तरह से प्लाउइंग कर दी है जोत दी है लेकिन अब अब सुबह जल्दी उठना है क्योंकि सारा दिन लग जाएगा बीज को बोने में आज तो मैं सोचने के मूड में हूँ तुम जा सकते हो और बीच को बो सकते हो द कॉक डिड नॉट से अब कॉक ने उसको कुछ भी नहीं बोला और वो गया उसने वर्क हार्ड किया और बीच को बो दिया फ्यू डेज पास द लिटिल ग्रीन व्हीट प्लांट बिगेउट और कुछ दिन बीते और उसमें से छोटे छोटे अंकुरित निकलने लगे गेहूं के पौधे केवर लैंड अदरवाइज आट विल दॉकू दिकॉकटनर तो उसने कहा कि चलो अब स्पाउट निकल गए अब हमको वॉटर उसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं तो हमारे जो प्लांट है वो ड्राई हो जाएंगे सूख जाएंगे बट द दिकॉक ऑपन माउंट एंड बिगेन टू सिंगिंग लेकिन पिकॉक ने अपना मुंह खोला और गाने लगा टू डे आई एम इन सिंगिंग मोड गाने के मूड में हूँ वॉटरिंग लैंड इज एंड मच वर्क पानी देना भी कोई काम है यू विल सून बी होम अगेन जाओ ठीक है यू विल सून He और फिर वो वापस अपने घर को चला गया नाउ द वीट वेल ग्रो टू गे वो बड़े हो गए तैयार हो जाती है तो उसको काटना पड़ता है द कॉक सेट टू इज पार्टनर नाउ इट इज टाइम फॉर रिपिंग चलो अब हम इसको काटते हैं अब तो फसल तो बन गई है लेट्स गो एंड कट आर वीट टू डाई मिन प्ले फुल आई वॉन्ट समॉर फन उसने कहा कि अब मैं जा रहा हूं और मैं तो प्लेफुल मूड में हूं मुझे कुछ टाइम चाहिए ताकि मैं कुछ मजा कर सकू रिपिंग आफ्टर ऑल इज नॉट अ टायक आंसर दिकॉक उसने कहा काटना काटना भी कोई काम होता है ये तो तुम ही कर सकते हो कर लो द कॉक वॉज सैड एट इज फ्रेंड्स इन डिफरेंट अब कॉक बेचारा बहुत उदास हो गया क्योंकि उसके जो फ्रेंड का बिहेव था वो अच्छा नहीं था ही कट द वीट टाइड इट इंटू बंडल्स एंड थ्रेसड इट इट वॉज वेरी टाइड ही वॉज वेरी टाइड अब उसने गेहूँ को काटे फिर थ्रेस दिया इट मीन्स भूसा अलग किया गेहूँ अलग किया और वो बहुत थक गया था द पिकॉक डिड नॉट हेल्प एट ऑल लेकिन पिकॉक ने उसकी जरा से भी मदद नहीं की He had some or other. वो कुछ ना कुछ बहा नहीं कर रहा था कभी मैं डांसिंग मोड में हूं कभी प्लेइंग मोड में हूं कभी सिंगिंग मोड में हूं सो मैनी एक्सक्यूज ही कॉक वर्कड एंड वर्कड एंड द फाइनली है चाफ And a much जो ढेर था वो तो भूसे का हो गया और छोटा जो ढेर था वो गेहूं का हो गया क्योंकि गेहूं अलग किया गया और भूसा अलग किया। ना दिकॉक तो विंग जो पिकॉक थे साफ मक मक्थ के आए हि सेट टूडे आई एम इन वर्किंग मोड वर्क एंड वर्क अलोन उसने कहा कि आज तो मैं वर्क के मूड में हूं और मैं तो सिर्फ अकेला ही अकेला और अकेला ही काम करूंगा तुम जा सकते हो जाओ आज तो मैं खुद काम कर लूंगा द कॉक थॉट ऑफ द टीचिंग द लेजी पिकॉक इ लेसन अब कॉक ने सोचा है क्यों ना इसको एक सबक सिखाया जाए हि न्यू डैट दिकॉक डिड नॉट नो डिफरेंट बिटवीन द वीट एंड चाफ वो जानता था कि ये जो पिकॉक ऐसे कुछ काम तो किया नहीं है तो इसको मालूम नहीं कि वीट क्या है और चाफ क्या है मतलब गेहूँ क्या और भूसा क्या है उसको नहीं पता सो द दिकॉक डिड नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन चाफ सो ही सैड सिलेली सिलेली मतलब बड़ी चालाकी सोचने का आई हैव डन ऑल वर्क सो आई विल टेक द बिगर हिप कॉक ने क्या बोला कि मैंने सारा काम किया तो ये जो बिगर वाला जो हीप है जो ज़्यादा वाला हीप है ज़्यादा जो ढेर है वो मैं लूँगा द फुलिश पिक ऑक क्विकली रिप्लाइड फुलिश था ना उसको तो मालूम ही नहीं था ना कि क्या वर्क हुआ उसने बोला आई एम बिगर बर्ड मैं बड़ा बर्ड हूँ आई विल टेक द बिगर हीप तो मैं बड़ा हीप लूंगा बड़ा ढेर लूंगा सो सेंग ही पुश द कॉक असाइड टूक ओवर द अमाउंट ऑफ चाप अब ऐसा कहकर उसने बिचारे कॉक को तो धक्का दे दिया और खुद उस चाप के ऊपर चढ़ गया जो उसका ढेर बना हुआ था. था और जो कॉक वो तो मन बहुत खुश हुआ चलो बेको, मिल गया उसको भूसा अब क्या करेगा वो देर वाज अ ग्रेट रश ऑफ वीट मार्केट में क्या हुआ वीट की डिमांड बढ़ गई एंड द कॉक बिकम वेरी रिच और उसने उसको सेल किया और वो रिच बन गया नो बडी कैम्प और भूसा लेने कौन आएगा? कोई भी तो नहीं आएगा भूसा तो हम लोग खाएंगे नहीं और सारे के सारे जो लोग थे ना उसका मजाक बनाते देखो ये भूसा बेचने मार्केट में आया है वेन द कस्टमर लेफ्ट द कॉक कैम्प टू द पिकॉक एंड सेट <laughs> जब कस्टमर छोड़ के चले गए तो कॉक आया पिकॉक के पास उसने कहा टूडे यू आर इन ए क्राइंग मूड यू आर ए लेजी एंड ग्रीडी वर्ड सो ऑल यू हैव चाप उसने कहा कि आज तुम रोने के मूड में हो ठीक है क्योंकि तुम लेजी बैड हो ग्रेडी ग्रीडी मैडम तो इस सारे का सारा भूसा तुम ही रख लो ओके okay? देखो बेटा जब भी हम किसी के साथ प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों मिलके वर्क करेंगे तो बेटा वर्क करना चाहिए इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है अंडरस्टैंड और घर पे भी आपको वर्क करवाना चाहिए वेरी गुड बेटा ओके लेट्स सी योर एक्सरसाइज आई विल सेंड द पीडीएफ सो यू हैव टू डन एक्सरसाइज ए बी एंड सी okay b you have to do in your copy and the c question answer you have to do in your copy now see this one underline the preposition in the following sentence are you seeing yes you have to do in your book vocabulary part opposite you have to write opposite close open friend enemy morning evening agree disagree Today, yesterday, reach a poor. Okay. Speaking part I will done in our class. Writing part also. Now finish your chapter. Okay. Two and three time you read and understand each and every word. Uh, so you can learn a story. Yes, Peter. Okay. Bye. Take care.